मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ इंडियन लॉ में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते हैं तो आप पर कौन सी धारा लगेगी, आपको कितनी सज़ा मिलेगी और उस पुलिस वाले को क्या सज़ा मिलेगी जिस पुलिस वाले की गिरफ्त से आप भाग गए। इसमें दोनों ही लाइबल होता है, दोनों इक्वल लाइबल होता है, जो भागा वो भी और जिसके गिरफ्त से आप भागे वो भी, यानी कैदी भी उतने का ही हकदार होगा और पुलिस भी उतने का ही हकदार होगी, दोनों को सज़ा मिलेगी। अभी ये जो आज का टॉपिक है ये इंस्पायर्ड है रिसेंट न्यूज़ से। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया है जिसमें कि कैदी को ले जा रही होती है पुलिस पेशी के लिए और उसमें कैदी क्या करता है कि आँख में झंडू बाम लगा देता है पुलिस का और फरार हो जाता है और भाग जाता है। तो हमने जब ये न्यूज़ पढ़ा तभी हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आदमी को बताया जाए कि आपको क्या सज़ा मिल सकती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो अभी हम बताएंगे ये आपको सुनने में हल्का लगेगा लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होता है जो कि हम जानेंगे। पुलिस पर जो धारा लगेगी वो लगेगी 223 IPC, जिसकी सज़ा है 2 साल तक, बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उनको बेल मिल जाएगा। ट्रायल में अगर साबित होता है कि इनकी नेग्लिजेंसी के कारण कैदी भाग गया तो उनको 2 साल तक की सज़ा होगी। और जो कैदी है जो भागता है पुलिस गिरफ्त से उस पर धारा लगेगी 224 IPC और वो भी बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि दोनों ही बराबर के हकदार हैं, उसको भी 2 साल की सज़ा मिलेगी और कैदी को भी 2 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन पुलिस तो 2 साल की सज़ा लेकर के रिहा हो जाएगा लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो बैड कॉन्सिक्वेंसेज है वो कैदी को भोगना पड़ेगा जो पुलिस की गिरफ्त से भागा है। सबसे पहली बात, जो आपको सज़ा मिलेगी उसमें 2 साल ऐड हो जाएगा। मान के चलिए आपको, आप ऐसे अपराध में थे जिसकी सज़ा 5 साल थी और वो 5 साल साबित हो गया, अब आपको 2 साल और मिलेगा, यानी 5 + 2 = 7 साल की सज़ा आपकी हो गई। अब इसका जो बैड कॉन्सिक्वेंसेज है वो बुक में नहीं है लेकिन है कि जब आप बेल फाइल करेंगे, इसमें तो आपको बेल मिल गया लेकिन जिस अपराध में आप भागे अगर वो नॉन बेलेबल था तब आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इस बात का प्ली लिया जाएगा कि यह एक बार जेल से भाग चुका है, पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, तो ये इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और आपको उस नॉन अवेलेबल में बेल नहीं मिलेगा जिस अपराध में आप हैं। और इसका खामियाजना, जो खामियाजा है वो आपको ट्रायल में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल में भी आपका जो क्रेडिट है वो उतना हाई नहीं रहेगा क्योंकि आप एक बार भाग चुके हैं पुलिस की गिरफ्त से, यानी कि आप बैड पर्सन में काउंट हो जाएंगे और आप पर जो रिलाई है वो कोर्ट कम करेगी आपकी बातों पर और आपको तो बेल नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक बार भाग गए हैं, अब आपको बेल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें बेल मिल जाएगा 224 में, ये बेलेबल ऑफेंस, इसमें बेल मिल जाएगा लेकिन जिस नॉन बेलेबल में आपका, आप जेल में हैं, जिस अपराध में आप जेल में हैं उसमें आपको बेल नहीं मिलेगा, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा। आई होप कि आपको 223 और 224 IPC समझ आया होगा। 223 जिसकी गिरफ्त से आप भागेंगे उन पुलिस वालों के लिए है और 224 आपके लिए है। हालांकि 224 बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है जैसे कि हमने बताया है, लेकिन इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये बात आपको हमने बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस आपको कब गोली मार सकती है, पुलिस कब आपको जान से मार सकती है आपको पकड़ने के लिए, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।